बड़ौदा विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही उपचुनाव होना है। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी पार्टी के नेता अभी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। चुनाव को लेकर अभी पूरी तरीके से कोई भी नेता अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता अपने दावों के दौरान इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों का जरूर दावा कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो इस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा और एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेगा भी। बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी दलों के नेताओं की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। पिछले साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा को 42,566 मत मिले और वे विजयी रहे, जबकि नंबर दो पर रहे बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 37,726 वोट मिले, जबकि तीसरे पर जेजेपी के भूपेंद्र रहे जिन्हें 32,480 वोट मिले। इस सीट पर कुल 11 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया था। अब श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के चलते उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और जेजेपी हरियाणा में गठबंधन में है। बीजेपी यहां से चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने और जीत कर अपने कुल विधायकों की संख्या में इजाफा करने की तैयारी में है। जेजेपी के संरक्षक अजय चौटाला भी संकेत दे चुके हैं कि गठबंधन के दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक ही उम्मीदवार मैदान में होगा। उम्मीदवार निश्चित तौर पर यहाँ से भाजपा का चुनाव लड़ेगा, क्योंकि भाजपा उम्मीदवार की वोटें भी ज्यादा थी और भाजपा बड़ी पार्टी है, तो इसलिए निश्चित तौर पर बीजेपी का आदमी चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस सीट पे लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ही, मुझे लगता है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक रूप से एक वो कहूँगा कि मैं हक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल लेके कैंडिडेट आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा से वोटों से जीतने का काम करेगा, और कुछ समस्याएं गाँव की हैं उन समस्याओं को भी हम दूर करने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उन समस्याओं को भी दूर कराने का काम करेंगे। हालांकि अभी तक दोनों पार्टी के नेताओं के बड़ौदा हलके के दौरे की बात करें तो जेजेपी के संरक्षक अजय चौटाला अभी तक 3 बार यहां आ चुके हैं और इनके छोटे बेटे 2 बार हलके का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बड़ौदा हलके के 4 गाँव का 1 बार दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों में रंजीत सिंह, जेपी दलाल, संदीप सिंह, कमलेश ढांडा के अलावा जींद के विधायक कृष्ण मिट्टा, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, करनाल के सांसद संजय भाटिया के अलावा नव नियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी पहले बड़ौदा हलके का दौरा कर चुके हैं। और बीजेपी ने तो अपनी पार्टी का जिला स्तरीय कार्यालय भी खोल दिया है, जहां बैठकों का दौर जारी है। टोटल टीवी के लिए गुहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।